60% तो डालेंगे स्टिल 8% तो बट दोनों में से तो इसमें डालेंगे पक्का, इसमें डालेंगे ही नहीं, इट डज नॉट मेक सेंस राइट। टू ऑप्शन हाँ, लेकिन इसमें तो डालेंगे ही नहीं करेक्ट। कितने लोगों के पास LIC के प्लान है? अगर नहीं है किसी के पास LIC चाइल्ड प्लान नहीं है, मनी बैक चाइल्ड प्लान, एंडाउमेंट प्लान है ना, कितना रिटर्न मिल रहा है आपके हिसाब से उससे? क्योंकि देख लोगे तो डालोगे नहीं। तो ये क्या है, यहाँ पे मैंने 100 रुपया मांगा, कितना दिल दुखा देने में, वहां पे पैसा काटने में। ओके, अगर आप इंश्योरेंस में पैसा डाल रहे हैं इस उद्देश्य से कि मुझे कुछ वापिस मिल जाए, ठीक है, आपका रिटर्न उसमें बहुत ही पुअर होता है। ओके, पुटिंग मनी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी में इस उद्देश्य से कि मुझे कोई पैसा वापिस मिले, आपको पैसा मिलता है इसमें रिटर्न इतना कम है, तो इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में पैसा कौन कमाता है? एजेंट कमाता है, इंश्योरेंस कंपनी कमाती है। अब ये अलग बात है कि इंश्योरेंस एजेंट आपका साला है, साले का भाई है, कमाने देना पड़ता है, क्या करें, ठीक है, आपका नेबर है, ठीक है, लेकिन अगर उसको कमाने ही देना है तो सीधे ही पैसे दे दें उसको, अपना खराब इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? ओके, ऐसी कोई सिंगल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है जिसमें अगर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी वो लेनी चाहिए जहां पर आप ये सोचें कि भगवान करे इसमें से मेरा पैसा कंप्लीटली वेस्ट हो जाए, मुझे कुछ भी वापस ना मिले, ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ लेनी चाहिए। और कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेते हैं कि 20 साल बाद ये बच्चे की पढ़ाई के लिए काम आएंगे, 20 साल बाद मेरी पेंशन के लिए काम आएंगे, वो पैसा काटने के समान है। जिस तरीके से ये पैसे आपने मुझे दे दिए, मैंने जेब में रख लिए, ये पैसे आपके गए, राइट। तो ये लेसन सीखो, लेके 100 रुपए से बहुत ज्यादा बड़ा लेसन है कि इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करना, ऐसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है जिसमें इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है, वो हम कवर करेंगे, लेकिन उससे पैसे वापस लेने की उम्मीद रखना बहुत बड़ी बेवकूफी है, बेवकूफी है, पैसा काटने के समान है। आप अपने पैसे को काट रहे हैं, अपने पैसे को मत काटिए। तो अब आते हैं, इंश्योरेंस जरूरी नहीं है क्या? मैंने ये नहीं कहा कि इंश्योरेंस लीजिए मत। कितने लोगों ने आपने टर्म इंश्योरेंस सुना है? किसी ने सुना है टर्म इंश्योरेंस? कितने लोगों के पास है टर्म इंश्योरेंस? क्या होता है टर्म इंश्योरेंस सर? बेसिकली यू आर कवर्ड फॉर लाइफ इंश्योरेंस जैसा है, जिसमें आप पैसा डालते हो, आपको कवर मिलता है हर साल, अगर कुछ नहीं होता तो पैसा चला जाता है, यू डोंट गेट एनीथिंग, डोंट गेट एनीथिंग बट बैक, कुछ भी वापिस ना। सो वो कोई नहीं लेता, बहुत कम लोग लेते हैं, जो आप समझ जा रहे हैं, वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, नेट पे पढ़ते हैं, वो मेडिक्लेम इज वॉट। सो इंश्योरेंस पॉलिसी अच्छी है कि नहीं, एक उसका मापदंड ये है कि उस इंश्योरेंस पॉलिसी जिस चीज पे आपको पैसा दे रही है वो चीज आप चाहते हो कि नहीं चाहते। तो मेडिक्लेम पॉलिसी आपको कब पैसा देती है? हॉस्पिटल, आप चाहते हो हॉस्पिटल जाना? नहीं, नहीं। तो अच्छी पॉलिसी है, तो अच्छी पॉलिसी है। ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक। सो इंश्योरेंस इज अ मस्ट, लेकिन उसमें से इन्वेस्टमेंट का पैसा निकालना, आपका अपना पैसा आपके पास वापिस आ रहा है, कोई अपनी जेब से इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा नहीं दे रही। सो अगर मेडिक्लेम कितने लोगों के पास है? कॉलेज जस्ट कॉलेज, हाउ मच जस कॉलेज? नो, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। कॉलेज का कितना है, किसी को पता है? हाउ मच?
50,000 आज अगर आप इवन पब्लिक हॉस्पिटल में चले जाए, ओके, भगवान न करे कभी किसी के साथ हो, लेकिन अगर आप, लेकिन ये एक ऐसी पॉलिसी है जो आपके 20 साल 30 साल 40 साल में अनफॉर्चुनेटली कभी ना कभी ये काम आनी ही आनी है। और ये क्लियर रिसर्च रिपोर्ट है कि इवन मिडिल क्लास लोगों के सारे फाइनेंसेस किसी न किसी खुद का या और अपने उसके कोई प्रियजनों का हॉस्पिटल में जाने के वजह से उनकी जो मिडिल क्लास से उनकी नीचे की ओर पतन हो जाता है। तो सिर्फ 50,000 की पॉलिसी चूंकि मुझे एम्प्लॉयर कवर कर रहा है वो इनफ नहीं होती, ओके। और सबसे बड़ा रीजन होता है मेडिक्लेम नहीं लेने का, एक रीजन होता है फाइनेंसेस खराब होने का। तो ये मैं मेडिक्लेम में क्या क्या देखना चाहिए मैं निकलता, लेकिन अपनी खुद की मेडिक्लेम पॉलिसी होना बहुत ही जरूरी है, उतनी जरूरी है जितना आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर पैसा खर्चा होगा, वो तो मेडिक्लेम होने के बाद भी होगा, लेकिन कम से कम हॉस्पिटल का पैसा खर्चा नहीं होगा। एक चीज और पूछता हूं मैं, हम लोग इंश्योरेंस एजेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए मुझे डराने में कोई डर नहीं लगता, ठीक है, बिकॉज हम तो इंश्योरेंस नहीं बेच रहे हैं, ओके। अगर आपकी किडनी फेल हो गई, कभी सुना है किसी की किडनी फेल हो गई? हुआ है राइट? किडनी फेल हो जाएगी तो क्या होगा भाई? मौत नहीं होती आजकल, बिल्कुल नहीं, डायलिसिस होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है, जिंदा रहते हैं सालों तक। मेरे खुद के ब्रदर इन लॉ है, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, 28 साल हो गए। तो और क्या होता है, या एक्सीडेंट में अगर आपकी डिसेबिलिटी हो जाती है, एक दोनों आंखें चली गई एक्सीडेंट में, तो क्या होता है? पहली बात तो हॉस्पिटल में जाना पड़ता है नॉर्मली, उसका खर्चा हमको मेडिक्लेम से मिल जाएगा, ठीक है, और सर्वाइव करते हैं, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। अच्छा हुआ ना नहीं मिलेगा, करेक्ट? तो क्या होता है, बाकी क्या होता है, व्हाट एल्स हैपेंस? हॉस्पिटल का खर्चा तो मिल गया, हो गया, मे नॉट हैव, राइट? सो देन व्हाट हैपेंस? फैमिली स्टेटस, आपका बिजनेस, अगर बिजनेस है तो बिजनेस डाउन हो जाता है, जॉब लूज हो सकता है, ठीक है, तो मेडिक्लेम इज इनफ। मेडिक्लेम ने तो सिर्फ आपका हॉस्पिटल का खर्चा दिया है, करेक्ट? तो ये जो रिस्क है कि मेरी नौकरी चली जाएगी बीमारी की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से, ये कवर हो सकती है? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। उसको बोलते हैं क्रिटिकल इलनेस या एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी, बहुत भयंकर महंगा नहीं है, किडनी फेल्योर, कैंसर, पैरालिटिक स्ट्रोक, इन सब के अगर ये होता है तो उसको 50 लाख रुपए का कवर अगर लेना हो तो आपकी एज के बेसिस पे महीने के 1,000 रुपए से लेके 4,000 रुपए तक लग सकता है। महंगी पॉलिसी है, और कुछ नहीं हो, भगवान करे कुछ नहीं हो तो ये पैसे गए, ओके, बट मिलती है पॉलिसी। इनफैक्ट एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी यानी एक्सीडेंट की वजह से कुछ होता है वो तो सिर्फ 350 रुपए प्रतिमा के हिसाब से मिल जाता है। किसी ने ऑनलाइन पॉलिसी खरीदी है? यू परचेज द टर्म पॉलिसी? टर्म कार इंश्योरेंस क्रेडिट कार्ड्स कितने लोगों के पास है? मैं आई विल जस्ट हैंड ओवर टू बलवंत, ही कवर्स ऑन दी लोन्स। तो माहौल काफी सीरियस हो गया है, एक तो ये 100 रुपए आपके अफेक्ट गए तो और वो लॉटरी भी नहीं होगी, ये तो कम से कम आपको लगता है अपने किसी गली को तो दस लाख रुपये मिल जाते। तो एक बार ऐसा ही हुआ, एक दिल के मरीज की 5 करोड़ की लॉटरी लग गई,
रिलेटिव ने सोचा अभी ऐसे तो बता देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि चलो अपना इनका जो दिल के जो डॉक्टर है कार्डियोलॉजिस्ट उनके पास ही ले जाते, उनसे राय देते। तो उनको बोला कि डॉक्टर साहब ये पापा की नौकरी लग गई है 5 करोड़ की, और क्या करना, कैसे न्यूज ब्रेक करने का। तो बहुत तो कार्डियोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया काम कर सकते हैं कि मैं इनसे बात करता हूं और धीरे धीरे ब्रेक करता हूं। तो कार्डियोलॉजिस्ट आए उनके साथ में, उनको बोला बातचीत में पापा जी आपके अगर 10 लाख की लॉटरी लग जाएगी तो क्या करोगे। मुझे होम लोन चुका दूंगा, 25 लाख की मिल जाती है तो बोला 5 लाख कॉलेज में दान कर दूंगा। धीरे धीरे बोला 50 लाख की तो पूरी दुनिया पूरे घर वालों को विश्व भ्रमण करवा के लिए आऊंगा। 1 करोड़ पे आ गए तो बोले इधर स्कूल बनवा दिया, 3 करोड़ पे आ गए और भी बड़ा खर्चा दूंगा। बोले बोला अरे पापा जी आपको 5 करोड़ की लॉटरी मिल जाए तो क्या करोगे। मैंने सोचा आधी तेरे को दे दूंगा और इधर वो डॉक्टर की विकेट। एक बार एक शॉपिंग मॉल में एक लेडी है ना, थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ माहौल को थोड़ा हल्का करने की। तो वो लेडी ने जैसे पेमेंट करने के लिए पर्स खोला तो उसमें से वो रिमोट देखा, तो जो पेमेंट काउंटर वाला आदमी था बहुत जिज्ञासा हुई। बोला अरे बोले मैडम आप ये रिमोट कंट्रोल हमेशा अपने साथ कैरी करती है। बोला नहीं नहीं पर अभी वो सचिन वाला मैच चल रहा है ना तो हस्बैंड मेरे साथ आने को तैयार नहीं थे तो मैं बस यही तो कर सकती थी तो रिमोट लिया। थोड़ी वो उसने कार्ड दिया लेडी ने, क्रेडिट कार्ड ही कवर करो, मैं क्रेडिट कार्ड दिया स्वाइप करने के लिए, उसने कार्ड स्वाइप किया और वापस सब सामान को जो पेमेंट करने वाला कवर गया वो खींचने लगा। वो लेडी बोला अरे क्या कर रहे हो, बिलिंग करो ना इसका। बोला नहीं तुम्हारा कार्ड अगर तुम्हारे हस्बैंड ने ब्लॉक कर दिया। तीसरा एक आदमी बोला अपने फ्रेंड को, बोला मेरा वाइफ का क्रेडिट कार्ड है ना वो गुम गया, पुलिस में तो लिखाया ही नहीं। अरे बोला तो पुलिस में क्यों नहीं लिखा था, नुकसान हो जाएगा ना। अरे भैया वो मेरी बीवी से कम खर्च कर रहा है। आप में से कितने लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। क्रेडिट कार्ड कितने लोगों के पास है। तो आप जब क्रेडिट कार्ड देते हैं स्वाइप करने के लिए, जैसे 100 रुपए का कुछ भी खरीदा तो आपको मालूम है दुकानदार को कितना पैसा मिलता है, अभी बताया बस ने थोड़ी देर पहले 98 रुपए के आसपास मिलता है, 1.5 रुपए का वो आपको डिस्काउंट देता है शॉपकीपर। पर आप उसको बोलो कि मैं नकद देता हूं मेरे को 1.5 रुपया कम कर दे तो वो नहीं करेगा। तो 1.5 रुपए का नुकसान करता है और क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करता है। क्यों करता है क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट बताइए, कुछ तो कुछ तो लॉजिक होगा। दुकानदार है ब्याज गिनेगा, 1.5 रुपए भी क्यों जाने देगा, क्यों देता है जी। So you have been using logic, I have been observing you, you have been using professor's logic, so you can use your logic here as well. So why the shopkeeper is more than willing to accept your credit card? He obviously gets certain inches or whatever, because every the shopkeeper when he gets that credit card machine, he has to apply to the bank to get the credit card machine, right? Nobody can just get the machine like yes. that. So there is obviously something he is getting in return to have that machine on with him. So here you are wrong. No, no.